चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। सो मैंने कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि आप आने वाले वैलेंटाइंस डे पे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, बट अगर आप इससे भी ज़्यादा सिंपल देखना चाह रहे हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसा मैंने चाहा था वैसा थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रिएट नहीं हुआ है, बट अच्छा लग रहा है इस वजह से मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा सिंपल देखना चाह रहे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आती है, ये लुक पसंद आ रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। तो देख लेते हैं इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने लिया है लैक्मे का लिप बाम, और अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने लिया है लैक्मे का पीच मिल्क क्रीम। इस टाइम मैं अपने ब्रदर से बात कर रही थी तो कुछ शॉर्ट्स मिस्टेक हो गए हैं वीडियो में, और इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्टाली का ये फेस सीरम और अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आप फेस सीरम के साथ मेकअप लुक करते हो आपको डिफरेंट ही मेकअप लुक मिलेगा, काफ़ी वेल हाइड्रेट लगेगी आपको आपके स्किन। नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए ले रही हूँ ये SFR का ग्रीन कलर का प्राइमर, ताकि मेरे जो भी स्पॉट्स वगैरह है वो हाइड हो सके। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का कलर कैरेक्टर, और अपने अंडर आइज़ में इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स वगैरह है वो हाइड हो सके। आप चाहें तो इसे एस्केप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये स्टेप। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए लिया है मैंने मैक का फाउंडेशन, और ब्लेंडर के लिए एनएक्स का ड्यूब वाला ब्लेंडर है। सो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया, देन मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। कंसीलर के लिए मैंने ये NYB की स्टिक ली है, आई मीन दिस शेड, आई डोंट नो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ जहाँ मैं कंसीलिंग करती हूँ वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और अगेन इसी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो फॉर्मूला ना बटरी सॉफ्ट की बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है, बहुत अच्छी स्टिक है। नेक्स्ट अपनी आईब्रोज को फिल इन करने के लिए मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइट की ये ब्रो किट, और इसे डार्क ब्राउन शेड लेकर के एक एंगल ब्रश की हेल्प से आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ। इसमें छोटा सा मिरर भी है। नेक्स्ट अगेन वेट एंड वाइट का ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसे ब्राउनिश ऑरेंज शेड लेकर के ऑल ओवर क्रीज पे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। और देन मैंने डार्क वाला ऑरेंज कलर लिया था, यू कैन सी डार्क वाला ऑरेंज शेड लिया था इससे, और अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है, बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो रहा था। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन की एक लिपस्टिक ली है इन दी शेड 02, और एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से अपनी हाफ क्रीज में मैंने जो है अपर वाटर लाइन में इसे अप्लाई किया है एज अ लाइनर। आप चाहें तो रेड कलर का लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कंप्लीट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का लैक्मे का इंस्टा लाइनर लिया है, और नॉर्मल सा बोल्ड लाइनर अप्लाई किया है। वाटर लाइन में काजल के लिए मैंने लिया है NYB का काजल, और अगेन रेड एंड वाइट के इस पैलेट से ऑरेंज शेड को लेकर के अपनी वाटर लाइन में स्मर्च कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्लिंग मस्करा, ये वाटर प्रूफ मस्करा है। सो मैंने अपनी आईलिश को अच्छे से कर्ल कर लिया है, फॉल आउट हुआ था तो फेस को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ मैं इस कलर एसेंस के कॉम्पैक्ट की हेल्प से। और ब्लशिंग के लिए मैंने लिया है SFR का ये कोरल ऑरेंज शेड ब्लश अप्लाई करने के लिए। अगेन मैं यही पैलेट ले रही हूँ रेड एंड वाइट का, और अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्जअप कर रही हूँ, ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं करूँ मैं, क्योंकि आप चाहें तो इसे डे टाइम में भी कर सकते हैं। तो लिपस्टिक के लिए अगेन मैंने ब्लू हेवन की ये लिपस्टिक ली है इन दी शेड 02, और बहुत ही प्यारा शेड है, थोड़ा सा ग्लॉसी लग रहा है क्योंकि मैंने लिप बाम पे लगाया था। मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा फटे हो रहे हैं इस वजह से। नेक्स्ट मेकअप को सेट करने के लिए मैंने ये एडियस का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है, और हाइलाइटिंग के लिए मैंने लिया है किस ब्यूटी का मेरा हाइलाइटर, और एक फैन ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया ऑल ओवर फेस पे। फाइनल लुक यू कैन सी कुछ इस तरीके से ये टर्न आउट हुआ है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा था बट इतना अच्छा नहीं क्रिएट हो पाया, क्योंकि आई थिंक आई शेडो लगाने की वजह से जो मैंने रेड कलर लाइनर पर लगाया है वो इतना एनहांस होकर के नहीं आ रहा है। तो आप चाहें तो आई शेडोज को हटा दीजिएगा, ऑरेंज कलर के आई शेडोज को हटा दीजिएगा और सिर्फ रेड कलर का लाइनर लगाइएगा, बहुत प्यारा लुक आता है। और अगर इसी के साथ कोई डिफरेंट लुक देखना चाह रहे हो आप वैलेंटाइंस डे के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।